हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की 15 प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। इनमें पहली जनजाति है बिंझवार जनजाति। यह जनजाति बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये स्वयं को विंध्य पर्वत के मूल निवासी मानते हैं। इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है। इनका जाति चिन्ह तीर है तथा इनके महासभा को कोटा सागर कहा जाता है। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह एवं सामान्य विवाह का प्रचलन है। इनके प्रमुख देवी देवता हैं बारह भाई बेटकर तथा विंध्यवासिनी देवी। बारह भाई बेटकर को बिंझवार जनजाति अपना पूर्वज मानते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह भी बिंझवार जनजाति से ही संबंधित थे। अगली जनजाति है कोरकू जनजाति। यह जनजाति कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कोरकू का तात्पर्य है जमीन खोदने वाले। इस जनजाति में प्रचलित प्रमुख नृत्य है थापड़ी, जो कि आषाढ़ माह में किया जाता है, और है ढांडल नृत्य। कोरकू जनजाति में पाटो विवाह का प्रचलन है, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह किया जाता है। इस प्रकार यह एक पुनर्विवाह है। इस जनजाति में मृतक संस्कार के रूप में सिडोली प्रथा का प्रचलन है, जिसमें मृतकों को दफनाने के बाद लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है। इसके साथ ही कोरकू जनजाति के लोग खम्ब स्वांग या मेघनाथ स्तंभ की भी स्थापना करते हैं। इसके बाद अगली जनजाति है कोया या दोरला या फिर कोयतुर जनजाति। यह घोड़ों की एक उपजाति है। इनकी बोली दोरली होती है, जो कि सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है। दोरला जनजाति पैडुल नृत्य करते हैं, जो कि विवाह के समय किया जाता है। इस जनजाति का संकेंद्र बस्तर, बीजापुर एवं सुकमा क्षेत्र में है तथा छत्तीसगढ़ के बाहर यह जनजाति गोदावरी नदी के क्षेत्र में बसी हुई है। अगली जनजाति है भतरा जनजाति। भतरा का तात्पर्य होता है सेवक। इनका निवास मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में है। इनकी प्रमुख बोली भतरी है, जो कि उड़िया का ही एक रूप है। इनके प्रमुख देवी देवता हैं शिकार देवी और माटी देव। भतरा जनजाति में भतरानाट नामक एक नाट्य प्रचलित है। ये जनजाति 14वीं सदी में काकती शासक अन्नमदेव के साथ बस्तर आए थे। अगली जनजाति है भारिया जनजाति। यह जनजाति बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर चांपा जिले में पाई जाती है। इनके निवास स्थान को दानी कहा जाता है। इनकी बोली भरनोटी या भरियाटी होती है। इनके प्रमुख देवी देवता हैं बूढ़ा देव, नागदेव एवं बागेश्वर देव। बागेश्वर देव भारिया जनजाति के लोगों की बाघ से रक्षा करते हैं। इस जनजाति के युवा गृह को धसरवासा भी कहा जाता है। भारिया जनजाति के लोग सांप और मोर खाते हैं तथा अपने गांव की सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा बनाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है प्रधान जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः कबीरधाम एवं बिलासपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें लिंगोपाटक गीत गायन की प्रथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रधान जनजाति गोड राजाओं के मंत्री होते थे व उनके गीत गायक या गाथावाचक होते थे। नेक्स्ट जनजाति है मंझवार जनजाति। यह जनजाति सरगुजा एवं रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इनके अन्य नाम मांझी या मझिया है। कहा जाता है कि मंझवार जनजाति एक मिश्रित जनजाति है, जो कि गोड, मुंडा एवं कंवर जनजाति से उत्पन्न हुई है। अगली जनजाति है कंवर जनजाति। यह जनजाति सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर व रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत गाहिरा गुरु भी कंवर जनजाति से ही संबंधित थे। इस जनजाति के प्रमुख देवता हैं सग्राखंड। इनका मुख्य कार्य सैन्य कार्य होता है। सन 1817 में उड़ीसा में जो पाइका विद्रोह हुआ था, उनके किसान पाइक को भी कंवर जनजाति का ही माना जाता है। इस जनजाति के लोग स्वयं को कौरवों के वंशज मानते हैं तथा इनके टोटम समूह या गढ़ चिन्ह को गोटी कहा जाता है। कंवर जनजाति में बार नृत्य का प्रचलन है। इस जनजाति की महिलाएं अपनी छाती पर भगवान चित्र का गुदना गुदवाती हैं। अगली जनजाति है खड़िया जनजाति। यह जनजाति रायगढ़ व सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी बोली खड़िया है। इनके प्रमुख पर्व है पुष्पुन्नी व कर्मा। इस जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बंदा है तथा ये अपनी उत्पत्ति आदि कोलारियन से मानते हैं। अगली जनजाति है गदबा जनजाति। यह बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है तथा मूलतः यह जनजाति उड़ीसा से आई थी। इनकी प्रमुख देवी बूढ़ी देवी या ठाकुरानी माता है। इस जनजाति की संस्कृति ध्रुवा जनजाति से काफ़ी मिलती जुलती है। कमार जनजाति की तरह गदबा जनजाति में भी घोड़े छूने को पाप माना जाता है। अगली जनजाति है सौरा जनजाति। यह महासमुंद क्षेत्र में पाई जाती है।
इनका कार्य सांप पकड़ना होता है तथा ये स्वयं को शबरी के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट जनजाति है सौता जनजाति, ये स्वयं को बालक लोढ़ा के वंशज मानते हैं। इनका संकेंद्रण कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में माना जाता है। अगली जनजाति है कोंध जनजाति, यह जनजाति रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी बोली कुई है, इन्हें कोंड या खोंड भी कहा जाता है। 200 वर्ष पूर्व यह जनजाति उड़ीसा से आई हुई थी। नेक्स्ट जनजाति है नगेशिया जनजाति, यह जनजाति रायगढ़ बलरामपुर जशपुर और सरगुजा जिले में पाई जाती है। इनकी बोली सदरी होती है, ये स्वयं को किसान कहते हैं। और अंतिम जनजाति है धनवार जनजाति जो कि बिलासपुर जिले में पाई जाती है, इसका अर्थ धनुर्धारी होता है। ये बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित सभी जानकारी अब पूर्ण होती है। इसके बाद अगर आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित MCQ सॉल्व करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर CGPSC 23 को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।